स्टिक लग रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का 7:30 हो गया और आज है 7 मई और मैं मुख्य से निकल गया हूँ। अभी यहाँ से कुछ ऑटो मिल नहीं रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉल रोड चले जाऊँ, यहाँ से मॉल रोड से ऑटो मिल जाएंगे जोगनी फॉल के लिए। तो गाइस यहाँ क्या सीन है ना, अगर आप ओल्ड मनाली में स्टे कर रहे हो वहाँ से मॉल रोड तक का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है नहीं, आप वॉक करते करते जाओगे तो 15-20 मिनट में पहुँच जाओगे, बट अगर ऑटो से जाओगे तो आपको मतलब 100 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ सकता है, जैसे 100-200 मिनिमम रेट है यहाँ पे। और अभी जो एक ऑटो मिला था मेरे को तो मैंने जोगनी वाटरफॉल के लिए पूछा तो वो 200 रुपये बोला था, जबकि मैंने मैप में देखा जोगनी वाटरफॉल यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही है बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मॉल रोड जा रहा हूँ, मॉल रोड से देखता हूँ ऑटो वाले कितना चार्ज करते हैं, बिकॉज वही रास्ते में पड़ता है और बाकी थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, मॉर्निंग वॉक है ना। आप चाहो तो अगर आपका टाइम है तो आप पैदल पैदल भी आ सकते हो, रोड बाई रोड ज़्यादा दूर है नहीं, 2-3 किलोमीटर ही अगर आपको चलने की आदत है तो। सो गाइस ये मैं मॉल रोड पहुँच गया हूँ, यहाँ से तकरीबन आप सिर्फ 4.4 किलोमीटर है अप्रॉक्स, तो यहाँ से ऑटो कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। तो गाइस मॉल रोड से मैंने फाइनली ऑटो ले लिया है, तो यहाँ से आपको ऑटो 150 तक मिल जाएगा, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर लोगे तो 100 तक भी मिल जाएगा। तो भैया आपसे मैंने बात करी हुई है और यहाँ से जोगनी वाटरफॉल अप्रॉक्स 4 किलोमीटर है, फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा, तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं और मस्त ट्रैक करके आते हैं। तो गाइस ऑटो वाले भैया ने मुझको यहाँ तक छोड़ दिया है, यहाँ से बोल रहे हैं आगे रोड ख़राब है तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, तो मेरे से लिए उन्होंने 130 रुपये मॉल रोड से, तो आप देख लेना जब आप आओगे। तो बाकी अब यहाँ से पैदल पैदल रास्ता है, 1.25 घंटा लगेगा ट्रैक में, धीरे धीरे चलते हैं इन्जॉय करते हुए। ट्रैक तो पूरा खाली लग रहा है, कोई भी नहीं है, तो मैंने पूछ लिया था उनसे कि एयरटेल का नेटवर्क तो है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया जोगनी वाटरफॉल यहीं से है, वो ऊपर जो मेन वाला है वो कितना ऊपर है, मतलब वो यही सेम रास्ता है और विशिष्ट वाला टेंपल जो हॉट स्प्रिंग, अच्छा यहाँ से जा रहे हैं, धन्यवाद। तो ये जो पहला वाटरफॉल है, एक्चुअली जोगनी वाटरफॉल में दो वाटरफॉल हैं, एक स्टार्टिंग में है एक ऊपर टॉप में जाके। जो पहला है वो तो बिल्कुल एकदम चढ़ती आ जाता है, बिल्कुल हम पहुँच गए, दिखाता हूँ आपको। तो दूसरा लेवल जाने के लिए अलग रूट कटता है, तो अभी हम पहले वाला देखते हैं फिर उसका दूसरा जानेंगे। तो गाइस पहला वाटरफॉल तो हमने देख लिया है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको चढ़ने की ज़्यादा आदत नहीं है या फिर नहीं चल पाते हो ज़्यादा पहाड़ों में तो आप यहाँ तक आ सकते हो, और अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाटरफॉल की ओर जो मेन जोगनी वाटरफॉल है हाइट पे। सो गाइस इस पॉइंट तक आपको यहाँ पे दुकानें वगैरह मिल जाएंगी, अगर पानी वानी नहीं लाया तो आप यहीं से खरीद लेना। और वहाँ जब जाते हो पहले वाले वाटरफॉल में, वहाँ से भी ऊपर को एक रास्ता जाता है, तो वो भी रास्ता यहीं मिल जाता है, बट मैं नीचे आ गया था तो दिस ऑल्सो मीट्स एट द सेम ट्रेल। तो अब मैं यहीं से जा रहा हूँ, थोड़ी सी स्टीप है ट्रेल एकदम, तो थोड़ा शॉर्टकट भी होगा मेरे हिसाब से, लेकिन स्टीप है एकदम ऐसा। और प्लस पानी की बोतल अगर आप लाते हो तो यहाँ फेंकना मत प्लास्टिक की बोतल, ठीक है, अपने साथ लेके जाना। अगर बैटर की वाली तो यूज़ एंड थ्रो वाली मत लाना, अपनी घर की प्लास्टिक की बोतल ला सकते हो, और अगर वाली लाते हो तो अपने साथ लेके जाना और प्रॉपरली डंप कर देना कहीं पे। सो गाइस ये एकदम से स्टीप है और ये जो रास्ता जो मैं बता रहा था वहाँ से मिलता है, जो वो सेम ट्रेल में मिल जाता है हमें, अभी ऐसे ही जाना है धीरे धीरे आगे। अब स्टीप तगड़ा है। तो गाइस थोड़ा सा ट्रेल्स आप सेम फॉलो करते करते आओगे ना, मेन ट्रेल फॉलो करना और ये रहा सामने आपका जोगनी वाटरफॉल। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रेल्स है, आपको बस मेन वाली ट्रेन पकड़ के रखनी है। मैं एक बार छोटी ट्रेल पकड़ के चल गया था तो मैं गलत चले गया था ऊपर, तो वहाँ से फिर वापस आया, फिर मेन वाली ट्रेल पकड़ी और फिर फाइनली जोगनी वाटरफॉल। फाइनली वी हैव रीच्ड जोगनी फॉल, बहुत अमेजिंग है, थोड़ा सा ट्रेल्स कंफ्यूजिंग है बट वंस यू रीच हियर इट्स टोटली वर्थ इट।
पूरा भीग गए भाई। गाइस बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद अप्रॉक्स अभी 9:30 हो गया है और मैं निकल गया हूँ यहाँ से। तो कैसी लगी आपको यहाँ की वीडियोस मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधे वर्सेस टेम्पल। सो गाइस जोगनी वाटरफॉल अगर आप हाइक कर रहे हो तो जिस रास्ते से मैं आया था उस रास्ते से मत आना, बिकॉज वो रास्ता थोड़ा सा अजीब है, वहाँ पर ट्रेल्स कभी कभी मिस हो सकती हैं। बट अभी जहाँ से हम वापस जा रहे हैं वो रास्ता बेटर है, ट्रेल्स प्रॉपर हैं और मस्त व्यू भी दिख रहा है आगे से, है ना। तो अगर आप लोग पहले आए हो जोगनी वाटरफॉल तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपने नहीं आए हो तो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अभी चलते हैं मिसेस टेम्पल यहाँ से। अरे वाह, आपको देखो रास्ते में यहाँ पे पानी वानी और व्यवस्था मिल जाएगी छोटी मोटी, है भैया आप लोकल ही हो? क्या रेट है पानी वानी? 30 रुपीज़ का है। यहाँ से विशेष के रास्ता यहीं से जाएगा थोड़ा। थैंक यू भैया। इसी एरिया में आता ना गर्म पानी बस? इसी एरिया में आता ना गर्म पानी बस? टेम्पल राम मंदिर और शिव जी का मंदिर जो है कंप्लीट होता है। और ये जो मैंने पूछा था ना, जो ये लकड़ियाँ लगाई हुई है, ये ध्वजा है यहाँ पे।